तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, उसे किस तरीके से अनब्लॉक करके और अनब्लॉक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है अपना फ्रेंड लिस्ट से नाम चला जाता है और उसे दोबारा किस तरीके से हम ऐड करेंगे। सिंपलेस्ट तरीका जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। कुछ चीज़ें हैं हम लोग फॉलो करके उसे कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानने के लिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है, बाकी आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर देना ताकि मैं अगर आगे इस तरीके का कोई भी वीडियो लाता हूँ सारा नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक इंस्टेंट आता रहे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप फ्रेंड लिस्ट के अंदर जाओ, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा ये जो थ्री लाइन्स, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ब्लॉक लिस्ट। तो जितना भी ब्लॉक लिस्ट के अंदर आपका फ्रेंड का नाम होगा यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपका यहाँ पे नाम है, ठीक है, तो उसे किस तरीके से अनब्लॉक करके यहाँ पर ऐड करना है वो चीज़ बताऊँगा। अगर यहाँ से आपने अनब्लॉक कर ही दिया है तो आप किस तरीके से दोबारा उसे ऐड करोगे, कहाँ से आप लोग उसकी मतलब आईडी को सर्च करके लाओगे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से शो करता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आने के बाद ये जो इसका प्रोफाइल दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर उसका प्रोफाइल का कैरेक्टर आईडी वगैरह दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक कॉपी का ऑप्शन दिया गया है साइट पर, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके कैरेक्टर आईडी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अनब्लॉक करना है इस तरीके से। अपने अनब्लॉक कर लिया तो आपने कैरेक्टर आईडी को कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे जाना है ऐड फ्रेंड पे और यहाँ पे वो कैरेक्टर आईडी को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर लेता हूँ, तो देखिए वो वाला आईडी यहाँ पर आ चुका है, तो मैं यहाँ से जो है इसे ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड के अंदर जाके रिक्वेस्ट भेज सेंड कर दूँगा तो वो जो है ऐड हो जाएगा दोबारा, ठीक है। ये तो अपना गया पहला कंडीशन। अगर आपने अनब्लॉक कर दिया है और आप अब जो है उसका कैरेक्टर आईडी वगैरह वहाँ से आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप किस तरीके से यहाँ पे ऐड करोगे उसे, तो यहाँ पर एक दो तरीका है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वो आपका फ्रेंड है तो आपका कॉमन फ्रेंड एक होगा जो मतलब आपका फ्रेंड भी होगा, सामने वाले का भी फ्रेंड होगा, आप उसके आईडी पर चले जाइए, ठीक है, मतलब उसके आईडी पे जाइए। जाने के बाद आप लोगों को या तो उसके पॉपुलैरिटी के अंदर जाके देखना है क्योंकि सभी फ्रेंड जो है यहाँ पर पॉपुलैरिटी वगैरह सेंड करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके उसे सर्च करके ऐड कर सकते हो, या फिर आप उसके क्लान के अंदर जाइए। अब जिस भी फ्रेंड का वो फ्रेंड है आप उसके क्लान के अंदर जाइए और वहाँ से आप लोग देखिए, ठीक है, वहाँ पर भी होते हैं। तो आप क्लान के अंदर जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ डिटेल्स। तो आपके फ्रेंड के क्लान के अंदर आप जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो, अपना मतलब फ्रेंड को देख सकते हो और फिर उसके बाद आप लोग वहाँ से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर सकते हो। तो यही था सिंपल सा तरीका, आप जिस तरीके से यहाँ पे किसी को अनब्लॉक करते हो तो ऐड दोबारा कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को जो है प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आप लोगों को कोई दिक्कत तो आप मुझे नीचे कमेंट करो या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वाल्टिक ऑफिशियल वहाँ पर अगर DM करो तो आपका जो भी क्वेरीज होगा हम लोग वहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड आवर चैनल।